जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज हम वीरनगर बस्ती, जो चिंतल बस्ती में आती है, रेडिल्स डिवीज़न में आती है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में अंदर आती है, वहां मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे नामपल्ली कॉन्टेस्टेड MLA और नामपल्ली TRS इंचार्ज आनंद गौड साहब मौजूद है, सीनियर कायद अश्विन साहब है और TRS डिवीज़न महिला प्रेसिडेंट नंदिनी मैडम और वीरनगर बस्ती प्रेसिडेंट सुमति मैडम और डिवीज़न महिला वाइस प्रेसिडेंट ब्रिटिना और हमारे BC सेल प्रेसिडेंट महेश साहब और SC सेल प्रेसिडेंट शशि साहब और नरसिंह साहब और दिगर मौजूद है। आज हमारा ये दौरे का मकसद, हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं KTR साहब से कि बस्ती बस्ती डोर टू डोर जाकर पब्लिक के, आवाम के परेशानियां क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उनके डोर टू डोर जाकर मालूम करें, मालूम कर उनके नोटिस में लाए, हायर ऑफिसर्स के नोटिस में लाए, इंचार्ज के नोटिस में लाए। तो हम आज अंबेडकर नगर से शुरू कर अंबेडकर नगर गए, वहाँ से बुड़गा जंगम बस्ती, वीरनगर, चिंतल बस्ती और कई बस्तियों का दौरा किए। हमें जनता ने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, उनके प्रॉब्लम्स बड़े दुख से बताए, हम सबके प्रॉब्लम सुने। लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम है। मेरे साथ हमारे इंचार्ज साहब थे, वो भी सुने और हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाकर इंचार्ज साहब को देंगे। और राशन कार्ड का भी है, बहुत बड़ा मुद्दा है राशन कार्ड का, कई लोगों को राशन कार्ड नहीं है। हम जाते ही तकरीबन राशन कार्ड्स का बहुत प्रॉब्लम है, हर कोई 50% लोग राशन कार्ड का ही बोल रहे हैं, वो गरीब लोग हैं, तो लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, इसकी हम नुमाइंदगी करेंगे। और हमारा मकसद ये है, हम जीतो या हारो, हमारे KCR साहब का मंशा इरादा एक ही रहता है कि आप कभी भी जीतो या हारो, जीत के घर में बैठना नहीं है, हार के घर में बैठना नहीं है, हार के भी हमारे पब्लिक के, आवाम के बीच में रहना है, काम करना है। साहब का जो मंशा है बंगारू तेलंगाना बनाने का, एज ए डिवीज़न प्रेसिडेंट मेरा भी मंशा है रेडिल्स को बंगारू गोल्डन रेडिल्स बनाने का। थैंक यू तेलंगाना। जय KCR, जय KTR, जय भीम। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, रेडिल डिवीज़न के अंदर हमारे प्रेसिडेंट अहमद साहब के अंदर में ये रेडिल्स का दौरा करें, ये बस्ती बस्ती TRS प्रोग्राम में हमारे KTR साहब के आदेश पर पूरा बस्तियाँ घूमो बोल के पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है वो पूरा मालूम करने के लिए बस्ती बस्ती जाओ, पब्लिक में जाकर मालूम करो बोल के उन्होंने आदेश दिए। उनके आदेश पर मैं अहमद भाई को बोला कि अपन बस्ती बस्ती प्रोग्राम लगाएंगे, आपके पास कब लगाएंगे, बोलते आज का दिन दिए। मैं अहमद भाई को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पूरे टीम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी हमारे सीनियर लीडर मेरे साथ अश्विन भाई, फिर हमारे महेश भाई, नरसिंह भाई और हमारे शशि भाई, ब्रिटानिया मैडम और अपने नंदेश नंदनी मैडम, सुमति मैडम और हमारे राजू भाई, नरसिंह भाई और पूरे साथी जो भी हमारे साथ, नरेंद्र बिल्लम, सब जनों को नाम नाम से धन्यवाद बोलता हूँ। अभी त्रिमलेश भाई, मनोहर भाई, हम लोग सब भी थे, रिजवान भाई। तो हम लोग पूरा दौरा शुरू करें अम्बेडकर नगर बस्ती से, वहाँ पे लोगों से मिले, उनके मसले पूछे, वहाँ थोड़ा ड्रेनेज इशू था, थोड़ा पुराने पाइपलाइन रहने से ड्रेनेज इशू प्रॉब्लम आया, ओसीज पानी का प्रॉब्लम, थोड़ा मिक्सिंग वाटर आ रहा, वो इश्यूज़ थे, थोड़े IMAX लाइट्स नहीं आए वहाँ, थोड़े स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो उन लोग लोगों को राशन कार्ड का इशू था, थोड़े लोगों को राशन कार्ड लगा कि बहुत दिनों में उनको फिर से राशन कार्ड नहीं देने वाला, तो ऐसे पूरे प्रॉब्लम्स नोट करें पूरा। उसके बाद वहाँ से गुरु जंगम बस्ती गए, फिर चिंतल बस्ती गए, फिर अब वीरनगर में भी गए, तो तकरीबन जगह थोड़े इश्यूज़ क्या है बोलते, पानी का ज़्यादा दिख रहा और ड्रेनेज लाइन जो बहुत पुराने लाइन है उसको फिर से डालना पड़ेगा। तो ये पूरा रिपोर्ट हम
हमारे एयर अप्स को, हमारे साहब, हमारे नामपेली को अडॉप्ट करे, सो हमारे MS प्रभाकर जी MNC उनके नज़र में ले आएंगे, उनको एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसी कंसर्न मिनिस्टर हमारे तनसानी श्रीनिवास यादव साहब है, उनको भी रिपोर्ट देंगे। ये रिपोर्ट दिए बाद हमारे कंसर्न है आके लो जो भी लोकल प्रॉब्लम्स है पूरों का रिपोर्ट दिए बाद फिर हम लोग उसके बारे में एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाएंगे, उसमें डिवीजन प्रेसिडेंट्स भी रहेंगे, पूरे ऑफिशियल्स भी रहेंगे। उसके बाद काम टेक ऑफ करके फिर ये काम कैसा कम्प्लीट करना, काम कम्प्लीट हो गए और फिर एक बार हमारे सीनियर लीडर्स जो भी है इंचार्जेस है, जैसे MS प्रभाकर है, बंडी रमेश साहब हैं, उन लोग भी दौरा करके ये जो भी सर्वे करें वो पूरा मसला हल आने वाला देखेंगे। तो मैं फिर एक बार ये पूरा बस्ती घूमे आए, सो उसके लिए मैं हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट अहमद भाई पूरे सर्वे में ये मालूम हुआ कि इन्हों रेगुलर टच में है पब्लिक के वर्क में है, एक रोड पे पार्टी से। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा जोहार जोहार, बाबा अंबेडकर। हाँ, इधर वाटर लाइन का प्रॉब्लम है, इधर से ले ले तो खरी बचा ले लेते, उधर उधर कर लिए। పండుగ మొన్న పైప్ లైన్ కొట్టేసినప్పుడు లాక్డౌన్ అయిపోయింది, నడిపితే మొత్తం కింద వరకు మాధవుడే లేడు బాజీ పానీ జాల ఎస్టీటీ పిలిచి పానీ తగ్గిపోయింది బ్యాక్ సైడ్ గా ఒక పైప్ లైన్ మొత్తం ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక 500 మీటర్స్ చేపియాల అయితే బస్తీ మహావి వాడే మిషన్ ఎస్సీల కింద వాడు తీసేసుకుంది అది సగం అలాకి వెళ్ళిపోయింది ओके।
प्रॉब्लम्स के लिए आए और जहाँ हुआ तो मैं बोलता हूँ काफे लॉस है और बुला रहा काफे लॉस मंडे से दो तीन दिन ही है, दो तीन दिन ही है पूरा। हेलो श्रीकांत, हेलो लोगों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो हमेशा बराबर है, हमेशा 8-10 दिन क्या हुआ मैं राशन में अप्लाई करे, फिर मैं जाके शॉप में बोले तो गुंगिया बोलते राशन जो बोलते नहीं दे रहे आपका रिजेक्ट हो गया बोले। 3-4 ईयर से मैं वहाँ आया फिर भी नहीं। ये कब आप 18 में अप्लाई करे? 18 में ही। अच्छा, परसों में आपने नहीं करे? फिर कभी भी करे रिजेक्ट करके आ। हाँ, कहाँ है वो? 18 का है। ओके, you look like 25 years old, so why you need pension? Pension is 35 plus. Don't push me, make me fly on the air in the air. I'm 60, going to be 61 now. Yeah, I know very well. Have you applied for pension? I applied, I'm getting, so why to tell lies, I'm getting 2016, 40 years. Yes, because of this wound, 3 years have passed, this wound is not cured, it's getting cured. Mm-hmm. And medicines, my cut per month.